नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल। मैं आप सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप सभी को ज़रूरत है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए होता है, तो अगर आप सभी लोग MS यूनिवर्सिटी को लीव करके किसी और स्टेट की या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तब आपको नीड होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। MS यूनिवर्सिटी की सभी फैकल्टी के स्टूडेंट्स को अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोसेस क्या होता है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को बता दूँ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। जी हाँ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी है, फर्स्ट स्टेप है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दो सर्टिफिकेट होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसफर, लेकिन आपको ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मेन बिल्डिंग पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो मिलता है, और उसका टाइमिंग है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक, यानी कि 2 आवर्स ऑफिस चालू रहती है मंडे टू फ्राइडे। और आपको वहां से जाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फॉर्म मिलना है, लेना है, कलेक्ट करना है, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो 5 रुपीज का वहां से आपको मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फॉर्म कलेक्ट करने के बाद उस फॉर्म में आप सभी को जो जो डिटेल मांगी गई है, नेसेसरी है, वो डिटेल आपको फुलफिल करनी होगी। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो रिजल्ट होता है उसका जेरोक्स कॉपी, यानी कि मार्कशीट का जेरोक्स कॉपी, और 12th बोर्ड स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, और 12th का जो रिजल्ट होता है 12th बोर्ड का वो रिजल्ट। इतने सारे डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी आपको उस ट्रांसफर फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी, और ट्रांसफर फॉर्म आपको फिल करना होगा। ट्रांसफर फॉर्म फिल करने के बाद आप सभी को आपकी रिस्पेक्टिव बिल्डिंग, यानी कि आपका एडमिशन मेन बिल्डिंग पर हो तो मेन बिल्डिंग पर सबमिट करना होगा, यूनिट बिल्डिंग पर हो तो यूनिट बिल्डिंग पर करना होगा, गर्ल्स बिल्डिंग पर हो तो गर्ल्स बिल्डिंग पर जाके करना होगा, और पादरा कॉलेज हो तो पादरा कॉलेज जाके करना होगा। ये सबमिट करने के बाद आपको 5 to 6 days के बाद जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो बनाकर प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आपने सबमिट किया होगा। और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ये प्रोसेस है, अदर्स फैकल्टी में भी आपको आपके डिपार्टमेंट से ही फॉर्म कलेक्ट कर लेना है और आपके डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पर सबमिट कर देना है, और जितनी भी फैकल्टी है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के सिवाय MS यूनिवर्सिटी में। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है, तो उसके बाद जब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास आ जाए, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कर दे, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आपको यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर जाना है। यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस कहाँ आई हुई है, तो फतेहगंज पंड्या ब्रिज के पास, उसका लोकेशन है यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस फतेहगंज पंड्या ब्रिज, वहाँ पर आपको जाना है विंडो नंबर 2, जिसका नाम है स्टूडेंट्स फैसिलिटी सेंटर। विंडो नंबर 2 पर जाकर आपको आपका जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है, वहाँ से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म देंगे, और उस फॉर्म को फिल करके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर अटैच कर देना रहेगा। उसके बाद 5 to 6 अदरवाइज 1 वीक में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। तो ये था प्रोसेस फॉर द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट होता है वो पूरा अलग होता है, जो भी स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं उनको नीड होती है ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट की, लेकिन ये जो प्रोसेस था वो था माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिसको भी नीड हो वो लोग ये प्रोसेस कर सकें। नमस्ते।